दरोगा जी उस सामने वाले खेत में है। दरोगा जी बैठे रहियो, भगियो मत। अरे तो सच में ही भूत दिख है, हम चले, हमें तो अपने बाल बच्चों को पालना, वह नौकरी बढ़ गई तेल लेने, जब सारे गांव के आदमी भग गए तो अकेले हम क्या कर लेंगे, चलो चलो निकल लो यहाँ से। अबे कहाँ भागते हो? दरोगा जी सारे गांव के आदमी तो भाग गए, हम ही क्या करेंगे, हमें मरना थोड़ी है, भूत के तो बंदूक की गोली का सन्ना हुआ है, भला इसी में कि तुम भी निकल लो। भाई गंगाराम मुझे मत मार, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तो गांव वाले बुला के लाए थे, मैं अब बिल्कुल ना आने का। अखबार वाला भूत ने गांव वालों की खेती करना बंद कर दिया, पीरू धोबी की जान ले ली और दरोगा की पिटाई कर दी, आज की ताजा खबर अखबार वाला। अखबार वाला अरे आज पुलिस का बड़ा अफसर है कोई, आज न भगने का कोई भी ले, आज अफसर से बात करूंगा। अरे कौन है तू, सच बता नहीं तो गोलियों से सुराख कर दूंगा। साहब साहब मैं तो गंगाराम हूँ, अब पता है इन गांव वालों को क्या होगा, पता ना मुझे देख कर क्यों भगे हैं ये, कोई मेरी बात ही ना सुनता, भूत भूत कह के मुझे बहुत मारा, मेरी घरवाली और मेरी छोरी भी मुझे ना पहचानती, सब डरा है मेरे से। एसएसपी साहब जो भूत झूठ बोल रहा है, इसका अंतिम संस्कार तो मैं अपने हाथों से करा था, फिर यू कहां से आ गया? अच्छा सच सच बोल, बात क्या है? साहब साहब मैं तेरे साधु को अपनी झोपड़ी में छोड़कर और बाहर गांव चला गया था, मुझे पता ना इसके बाद क्या हुआ, मुझे आने में 10-12 दिन लग गए और जब मैं उल्टा आया तो लोग मुझसे डरने लगे, पता ना क्यों डरे। अच्छा रे, रे तो उस वाली होगी, अगमा मामान के और बापू के रपट थाने में, अरे सुन लो रे गांव वालों, भाइयों वो तो झोपड़ी में साधु फूका था और बेचारी धनो ने सुहागनी रांड बना रखी है। अरे शीला के बापू तुम जिंदा हो, मैं तो तुम्हें वैसे ही भूत समझ रही थी, देखे अब कदी ना लड़ू तुमसे। देखो भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब भय का भूत होता है। ठीक कह रहे हैं एसएसपी साहब, गांव वालों सब ध्यान से सुन लो, दिखे भाई लोगों जब इंसान के दिल में दहशत बैठ जावे है ना, तो फिर तो आंखें का भी हाथी लगे, ना तो सिर्फ भय का भूत है, भूत नाम की कोई चीज नहीं है।